प्लस थ्री फोर्थ सेमिस्टर इलेक्टिव हिस्ट्री जीएचआई 4 आम क्वेश्चन और उत्तर को वर्तमान करवा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमको पचारि जे ख्रीष्टीय पंचदश शताब्दी रे सर्वविध परिवर्तन रो जननी कौन थिला बोली पचारि। तो ख्रीष्टीय पंचदश शताब्दी रे मुद्रण यंत्र परिवर्तन आनीला। तो कौन हो सठिक उत्तर हो मुद्रण यंत्र। सठिक उत्तर हो मुद्रण यंत्र। तो रेनासा गोटे क्यों शब्द अटे फरासी शब्द जार अर्थ हो पुनर्जन्म। तापर ख्रीष्टीय 16 शताब्दी क्यों माने सर्वप्रथम मध्ययुगीय धार्मिक चिंता धार्मिक सिद्धांत गुड़ी को विरोध करुले क्यों माने वैज्ञानिक माने कौन कर वैज्ञानिक माने करुले। तो तापर हमको क्वेश्चन पचाई फेरारी डैश पदार्थ परिमापक संबंधी समीकरण कर समाधान करते पचारि। फेरारी तरल पदार्थ परिमापक संबंधी समीकरण कर समाधान करते। तापर क्वेश्चन पचारि केपलर केपलर क्यों विभाग गतिशीलता पद्धति प्रतिष्ठा करते केपलर केपलर। ताले सठिक उत्तर कौन कर कोनक कौन कर कोनक विभाग गतिशीलता पद्धति प्रतिष्ठा करते केपलर। तापर क्वेश्चन पचारि किए आधुनिक बीज गणितिक विभाजन समीकरण करते पचारि कौन कर भिएत कर भिएत करते। तापर क्वेश्चन पचारि किए दशमिक भग्नांश पद्धतिर मुद्रा ओजन माप संबंध में मत प्रकाश करते तो स्टेभिन करदेव स्टेभिन। तापर क्वेश्चन पचारि किए दशमिक भग्नांश बिंदु को वास्तव क्षेत्र में व्यवहार करते नापिएर कर नापिएर। तापर गिलबर्ट जड़े प्रसिद्ध कौन थे गिलबर्ट जड़े प्रसिद्ध पदार्थ विज्ञानी थे। तापर क्वेश्चन पचारि किए तल को खसुवा पदार्थ गुड़िकर नियम संपर्कित आधुनिक गति विज्ञान बा डायनामिक्स भित्ति प्रतिष्ठा करते किए करते गालीलियो कौन कर गालीलियो। तापर क्वेश्चन पचारि यूरोप रे सर्वप्रथम विस्फोरक बारूद व्यवहार क्यों युद्ध होता पचारि। तो 7 वर्ष व्यापी युद्ध कर। इटाली रो मार्को पोलो केते ख्रीष्टाब्दे दिग बारिणी बा दिग निर्णय यंत्र उद्भावन करते 1270 करदेव। तापर पोलैंड ज्योतिर्विद कोपरनिकस तांका पुस्तक दि रिवोल्यूशन ऑफ दि हेवेनली हेवेनली अवर्स दि रिवोल्यूशन ऑफ दि हेवेनली अवर्स रे प्रमाण करिसंती जे सौर जगतर केंद्र रे कोन अवस्थान करंती सूर्य अवस्थान करंती। तापर गालीलियो इटाली स्थित क्यों विश्वविद्यालय गणित अध्यापक थे गालीलियो पिसा विश्वविद्यालय कौन कर पिसा विश्वविद्यालय। तापर हमको क्वेश्चन पचारि गालीलियो क्यों यंत्र उद्भावन करी गालीलियो क्यों यंत्र उद्भावन करे ताहा साहाज्य रे कोपरनिकस को मतवाद को सत्य बोली प्रमाण करते गालीलियो दूरवीक्षण यंत्र को उद्भावन करते। तापर क्वेश्चन पचारि जे किए प्रमाण करते जे ओजनिया एवं हालुका द्रव्य गुड़ी को ऊपर पड़े सामान बेगरी गति करी आसी भूमि को स्पर्श करते किए कहते गालीलियो गालीलियो प्रमाण करते। तापर आइजाक न्यूटन क्यों पुस्तक रचना करते प्रिंसिपिया प्रिंसिपिया पुस्तक रचना करते आइजाक न्यूटन। तो नेदरलैंड रो भर्सालियस मन रख नेदरलैंड भर्सालियस तांको लिखित पुस्तक हूँ दि ह्यूमानिकोरस फेब्रिकारे मनीषर अंग प्रत्यंग गुड़िकर कार्य संपर्क में वर्णना कि भर्सालियस। इंग्लैंड रो विलियम हार्वे मनीष शरीर रक्त संचालन प्रक्रिया उपर आलोचना करते मन रख विलियम हार्वे। तापर मन रख हेलमट अंगारकाम्ल गैस आविष्कार करते कि हेलमट अंगारकाम्ल गैस आविष्कार करते। तो 18 शताब्दी मध्य भाग बेल को लंडन और पेरिस रो जनसंख्या 60,000 ରୁ 70,000 मध्य रही है। ये फ्रांस रे धर्मयाजक एवं सम्भ्रांत मैंने प्राय 60% संपत्तिर मालिक थिले। तापरे राजा 1600 लुई मन रख राजा 1600 लुई कही कौन कही अंततः प्यारिस जड़े धर्मयाजक देखाओ जी कि भगवान को विश्वास करा किए कही राजा 1600 लुई कर श्रमिक मानू दिन को 16 घंटा पर्यंत काम करने को पड़ता। ठीक अच्छे तापर सहर गुड़िक मध्यवित्त संख्या 20% 30% मध्य रोला। तापर मन रख भेनिस भेनिस रे गरीब लोक मैंने सहर पोल तले अलिया गदा पाखे रोते। ठीक अच्छे तापर क्वेश्चन पचारे मन रख 1660 ख्रीष्टाब्द राजा चार्ल्स द्वितीय द्वारा प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन एवं 14 लुई प्रतिष्ठित फ्रेंच एकाडेमी ऑफ साइंस अनुष्ठान यही द्वय विज्ञान उन्नति और विकास में विशेष रूप से समर्पित थे। तापर क्वेश्चन पचारे मन रख जर्मनी और ऑस्ट्रिया ठारे यंत्रपाति द्वारा व्यायाम शिक्षा देवाई बा जिम्नासियम महाविद्यालय रही है। तापर हाले प्रुसियार हाले विश्वविद्यालय रे प्रयुक्ति विद्या पढ़ा जाऊला। तापर हमको क्वेश्चन पचारे ऑस्ट्रियार महियसी साम्राज्ञी मेरिया थेरेसा एवं तांका पुत्र जोसेफ द्वितीय निज देश में प्राथमिक शिक्षा को समस्त नागरिकों बाध्यतामूलक करते। तो मन रख क्यों शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा को। तापर प्रुसिया और ऑस्ट्रियार धार्मिक भावना संपन्न लोक मैंने गाँ गाँ बोले लोक क्यों शिक्षा देते मुक्त शिक्षा देते। तापर क्वेश्चन पचारे जे गोटे शब्द उत्तर दियो तो मध्य युग को क्यों युग रूपे कौ युग कह जाए मध्य युग को अंधकार युग बोली कह जाए। तापर क्वेश्चन पचारे क्यों युग रे अनेक नूतन आविष्कार आउ उद्भावन होता जहाँकि मनुष्यर वास्तव क्षेत्र में उन्नति और प्रगति में सहायक होता पचारे। तो कौन कर नवजागरण युग कर नवजागरण युग। तापर हमको क्वेश्चन पचारे किए सर्वप्रथमे घनफल संबंधी समीकरण समाधान करी गुणक सहित परीक्षा निरीक्षा करते कौन कर तारताग्लिया किए चुंबकीय पदार्थ पर परीक्षा निरीक्षा करी बिजुली संबंधी अध्ययन पर पथ उन्मोचन करते कहते गिलबार्ट कर गिलबार्ट। तो क्यों शताब्दी में प्रथम बंधुक आउ कमाण गुड़िक बारूद व्यवहार कर ख्रीष्टीय 17वीं शताब्दी में किए कही जे वास्तव में सूर्य होते स्थिर एवं पृथ्वी और अन्य ग्रह गुड़िक चारिपटे अंडाकृति घूरुंट किए कही गालीलियो कही गालीलियो किए मत देते पृथ्वी चंद्र सूर्य एवं अन्य ग्रह नक्षत्र मध्य आकर्षण शक्ति रही विश्व ब्रह्मांड में से गुड़िक परस्पर को आकर्षण कर शून्य मंडल में भाषमान अवस्था रही किए कही न्यूटन कही। तो प्यारे तांकर क्यों पुस्तक रे शल्य चिकित्सार प्रयोगात्मक पद्धति संबंध में अवगत करिसंती। उत्तर कौन करो जर्नी टू डाइवर्स प्लेसेस कर पुस्तक रे। तो फ्रांस होगा इटाली ऑस्ट्रिया आदि देश रे ई देशर सहर गुड़िक महात्मा मानकर मूर्ति को शोभा यात्रा रे धर्मपीठ को नेला बेले कैथोलिक माने जोग देउथिले ताको कौन कह पचारे कौन कह क्रो सॉरी कोफ्राटर नीति कह। ठीक अच्छे कोफ्राटर नीति कह। तो कृषि श्रमिक आ कृषिजीवी माने हजार हजार संख्यार सहर गुड़ी को चली जाऊा को कौन कह कृषि विप्लव बोली कह कौन कह कृषि विप्लव। तापर क्वेश्चन पचारे जे रेनेसां शब्द को केबे किए सर्वप्रथमे व्यवहार करते। तो मन रख 1885 ख्रीष्टाब्द रेनेसां शब्द को जुले मिशेल सर्वप्रथमे व्यवहार करते। ठीक अच्छे। तापर आमको क्वेश्चन पचार से नवजागरण केबे सृष्टि होता और यहाँ कि आह्वान करते। नवजागरण प्रथम 16 शताब्दी में यहाँ सृष्टि होता आउ मन रख रोजर बेकन यहाँ आह्वान करते। तापर क्वेश्चन पचार क्यों मैंने बीजगणित सूत्र। ठीक अच्छे। क्यों मैंने बीजगणित सूत्र आउ क्यों मैंने संख्या पद्धति प्रदान करते। मुसलमान माने बीजगणित सूत्र और आरबीय माने संख्या पद्धति प्रदान करते। ठीक अच्छे। तापर आमको क्वेश्चन पचार किए केबे मुद्रण जंत्र उद्भावन करते। गुटेनबर्ग। ठीक अच्छे। जॉन गुटेनबर्ग 1450 ख्रीटाब्द में मुद्रण जंत्र उद्भावन करते। तापर क्वेश्चन पचार कोपरनिकस क्यों देशर आदिवासी थे और से कौन प्रमाण करते। कोपरनिकस पोलैंड रो ज्योतिर्विद थे और से प्रमाण करते पृथ्वी और अन्य समस्त ग्रह अंडाकृति में सूर्य को चारिपटे प्रदक्षिण करती बोली कहते। तापर क्वेश्चन पचार से दूरवीक्षण यंत्र किए उद्भावन करते और से क्यों विषय अध्यापक पचार। दूरवीक्षण यंत्र गालीलियो उद्भावन करते और से पिसा विद्यालय गणित अध्यापक थे। ठीक अच्छे। गालीलियो। तापर क्वेश्चन पचार क्यों देशरू नवजागरण सृष्टि होता तार विशेष अवदान कौन था। तो नवजागरण प्रथम इटाली रे सृष्टि होता और यार विशेष अवदान था मनीष मन में मानविकतार उद्रेक करवा। तापर क्वेश्चन पचार श्रमिक मान कार्य व्यवस्था क्यों मान अधिक नियुक्ति मिलूला। तो श्रमिक मान कार्य व्यवस्था महिला और शिशु मान नियुक्ति मिलूला। तापर क्वेश्चन पचार 18 शताब्दी में व्यवसायी और मध्यवित्त श्रेणीर पाला क्योंठारे कि प्रकार शिक्षा प्रदान करा। तो 18 शताब्दी में व्यवसायी और मध्यवित्त श्रेणीर पिला नियम अनुजाई परिचालित क्षुद्र शिक्षानुष्ठान नाम लिखाई थे और तांको व्यवसाय संबंधी आवश्यक प्रजुक्ति विद्या संबंध में शिक्षा दि जाऊला। तापर क्वेश्चन पचार जे सर्वप्रथमे फ्रांसिस बेकन मनीष को क्यों सिद्धांत प्रदान करते। फ्रांसिस बेकन के मतरे वर्तमान विज्ञानर सत्य आउ अन्य संगत लक्ष्य व्यतीत अन्य किछि नुहे तेणु मनीष जीवन नूतन आविष्कार गुड़िक द्वारा बेष्टित होगा उचित अटे। तापर परवर्ती क्वेश्चन पचार जॉन केपलर संबंध में संक्षिप्त लेख पचार। तो जर्मनी रो जन्मित ज्योतिर्विद केपलर कोपरनिकस को मतवाद सत्यता प्रतिपादन करते आउ जॉन केपलर प्रमाण करते पृथ्वी और अन्य समस्त ग्रह अंडाकृति सूर्य को चारिपटे प्रदक्षिण करती। तापर आमको क्वेश्चन पचार केवे बंधुक आउ कमाण गुड़िकरे बारूदर व्यवहार करा जायथला एवं सर्वप्रथम यह क्यों युद्ध रे व्यवहृत होता। तो ख्रीष्टीय 17 शताब्दी में बंधुक आ कमाण गुड़िक बारूद व्यवहार करा एवं यह सर्वप्रथम 7 वर्ष व्यापी युद्ध रे व्यवहृत होता। तापर क्वेश्चन पचार केबे कहा द्वारा दिग निर्णय यंत्र उद्भावन होता और यह द्वारा कौन सुविधा है। इटालीर मार्को पोलो 1770 ख्रीटाब्द में दिग निर्णय यंत्र उद्भावन करते। नाविक मैंने यही यंत्र साहाय्य यंत्र साहाय्य समुद्र पथरे गोटे स्थान आ गोटे स्थान को जापारे। ठीक अच्छे। सामुद्रिक वाणिज्य विस्तारित हो पारिता। तापर आमको क्वेश्चन पचार। ठीक अच्छे। 3 मार्किया क्वेश्चन अटे यहाँ। तो हेडिंग दे दियो नवजागरण अर्थ और संज्ञा। तो नंबर 1 पॉइंट लिख नवजागरण बा रेनास गोटे फरासी शब्द अटे यार अर्थ पुनर्जन्म बा पुनः जागरण बा नवजागरण अटे। ठीक अच्छे। 1885 ख्रीटाब्द में फरासी ऐतिहासिक जुलियस मिचेले यही इतिहास रे सर्वप्रथम यही शब्द को व्यवहार करते 1885 रे। ठीक अच्छे। ख्रीष्टपूर्व 5म और 6ष्ठ शताब्दी में ग्रीस और रोमर अभ्युत्थान सहित आरंभ होता प्राचीन सभ्यता। ठीक अच्छे। तो ख्रीष्टीय 5म शताब्दी रोमियो साम्राज्यर पतन सहित प्राचीन युगर परिसमाप्ति घटी तापर मध्ययुग घटी यह 15 शताब्दी जाए सुदीर्घ गोटे 1000 वर्ष पर्यंत तिष्टि रही। तापर क्वेश्चन पचारे नवजागरण जुगर मोहनीयता प्रतिपादन कर। तो यूरोप रे गढ़ी उठी समृद्ध संस्कृति भित्ति स्थापन करथिला प्राचीन जुग ग्रीक और रोमियो विज्ञ लेखक मान लेखार रुधिमंत होता यूरोपीय साहित्य दर्शन इत्यादि रही। तो यह जब छाड़ीदे कला स्थापत्य संस्कृति विभिन्न दिगरे सर्वविध उन्नति घटी यूरोपीय संस्कृति को गोटे कालजयी मोहनिया संस्कृति परिणत करपर। क्वेश्चन पचास नवजागरण फल लोक मान मन किपर नूतन चिंताधारा उद्रेक होता पचारि। तो मध्ययुगे विज्ञान केतेक प्रगति करिथिला किंतु आधुनिक विज्ञानर धारा नवजागरण सहित जन्म होइथिला। तो मध्ययुगीय विज्ञानवाद सबुबेले विरोधर सम्मुखीन होइथिला एवं अनेक वैज्ञानिक तथ्य को फलवती हेबा पूर्वरु नष्ट करि दिया जाइथिला। तो ख्रिस्टियन धार्मिक व्यवस्था बा गिरजा वैज्ञानिक चिंताधारा और प्रयोग को विधर्मी छाप लगाई विरोध करुथिला। अंधविश्वास समाज रे साधारण भाव में प्रचलित थिला ताहा जन जीवन रे एते गभीर प्रभाव पकाई थिला जे लोके वैज्ञानिक तथ्य आउ व्याख्या अपेक्षा अंधविश्वास आउ कपुल कल्पित विषय को अधिक विश्वास करुथिले तथा रुचि रखुथिले। पुणी धर्मयाजक अथवा नूतन होउथिबा कथा भगवान को बाणी अटे एवं ता ही सत्य बोली विचार करा जाउथिला। ठीक अछि। चिकित्सक माने मध्ये धर्म विश्वासी थिले और धार्मिक पद्धति अनुरूप चिकित्सा करुले। केतेक पर्यवेक्षक एवं अनुसंधिषु नूतनतार सन्धान लगी पड़ते आ फल प्राकृतिक विषय में समालोचनापूर्ण पर्यवेक्षण आरंभ कर लिखि रखिए हेडिंग दे दियो निकोलास कोपरनिकस। ठीक अच्छे। तो निकोलास कोपरनिकस थिले पोलैंड ज्योतिर्विद और नवजागरण जुगर जो वैज्ञानिक भी थिले। रचित पुस्तक ना हूँ दि रिवोल्यूशन ऑफ दि सिलेस्टियल बॉडीज। ठीक अच्छे। एथि से प्रमाण कर सौर जगत केन्द्र रे सूर्य अवस्थान करती पृथ्वी और अन्य ग्रह गुड़िक सूर्य चारिपटे घूरुंट। पृथ्वी हूँ केन्द्रबिंदु एवं ग्रह नक्षत्र ता चारिपटे घूरुंट बोली आगु रही विश्वास को से खंडन करते एवं प्रकृत सत्य को उजागर करते। तो कोपरनिकस को युक्ति ख्रीष्ट धर्म और ख्रिस्टियन मान विश्वास विरोधी थिला। तापरे क्वेश्चन पचासी गालीलियो संपर्क रे। तो गालीलियो हेडिंग दे दियो इटाली विख्यात वैज्ञानिक और पिसा विश्वविद्यालय रे गणित अध्यापक थे गालीलियो। आउ से दूरबीक्षण यंत्र को भी उद्भावन करते आउ से कोपरनिकस को मत को भी समर्थन करते। गालीलियो चंद्र रे विराट पहाड़ थिबा एही यंत्र साहाय्य रे जानि पारिथिले आउ छायापथ केतेक नक्षत्र समष्टि बोली से मत व्यक्त करते आउ से पेंडुलम तत्व प्रकाश करते जहा घंटा उद्भावन में सहायक होता है। तो हमको क्वेश्चन पचार पेंडुलम तत्व किए प्रकाश करते गालीलियो करदेव। आउ गालीलियो आहरी प्रमाण करते जे ओजोनिया एवं हालुका द्रव्य गुड़िक उपरू पड़े सामान बेगर गति करी आसी भूमि को स्पर्श करती। तो गालीलियो को मृत्यु पर मतवाद गुड़िक वैज्ञानिक गवेषणार भित्ति रूप से गृहीत होता। तापर हमको क्वेश्चन पचारि जे आइजाक न्यूटन को उद्भावन संपर्क में। ठीक अच्छे। तो हेडिंग दे दियो आइजाक न्यूटन। सार आइजाक न्यूटन 1640 ख्रीष्टाब्द में इंग्लैंड अंतर्गत उल्थ्रस शहर में जन्मग्रहण करते। आउ आइजाक न्यूटन से थे नवजागरण युगर जड़े श्रेष्ठ वैज्ञानिक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गणित अध्यापक भी थे। ठीक अच्छे। तापर विज्ञान को तांकर श्रेष्ठ अवदान होउछि माध्याकर्षण शक्तिर आविष्कार। से मत करते पृथ्वी चंद्र सूर्य आउ अन्य ग्रह नक्षत्र मध्य माध्याकर्षण शक्ति रही सेगुड़िक परस्पर को आकर्षण कर शून्यमंडल में भाषमान अवस्था रही समुद्र जुआर होबार कारण से दर्शाई। यह व्यतीत तांकर अन्यतम अवदान होउछि आलोक विश्लेषण तथ्य। नवजागरण समय चिकित्सा विज्ञान अग्रगति किपरि होइतिला। तो फ्रांस फ्रांसर प्यारे एवं स्विट्जरलैंड पारासेल्सस थे चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में सुप्रसिद्ध। तो प्यारे तांको रचित जर्नी टू डाइवर्स प्लेसेस रे शल्य चिकित्सार प्रयोगात्मक पद्धति संबंध में अवगत करिसंती। आ नेदरलैंड रो भेसालियस तांको लिखित पुस्तक होउछि दि ह्यूमानी कोरोसिस फेब्रिका। एथिरे मनीष अंग प्रत्यंग गुड़िक कार्य संपर्क में वर्णना करिसंती। तो इंग्लैंड विलियम हार्वे मनीषर शरीर रक्त संचालन प्रक्रिया पर आलोचना करिसंती। तापरे हमको क्वेश्चन पचासी नवजागरण जुगर भूगोलर और ज्योतिर्विज्ञान किपरि थिला किपरि अग्रगति होई पारिछि। तो नूतन भूभागर आविष्कार एवं ज्योतिर्विज्ञानी मानकर अनुसंधान फलाफल स्वरूप जन समुदाय मन मस्तिष्क पूर्वर रही लोकप्रिय मतवाद संबंधित भ्रांत धारणा दूर हो जाता। तो नवजागरण जुगर वैज्ञानिक माने से उक्ति गुड़िक वास्तव उदाहरण और निश्चक प्रमाण प्रदान करते। तो आविष्कार संबंधी जलयात्रा गोटे नूतन पृथ्वी एवं ज्योतिर्विज्ञानी मैंने एक नूतन विश्व ब्रह्मांड जन समुदाय को प्रदान करते। ज्योतिर्विज्ञानी सूर्य ग्रह नक्षत्र एवं पृथ्वीर स्थितिगति आ मनीष जीवन उपर सेगुड़िकर प्रमाण सहित गोटे वास्तव चित्र प्रदान करते। टोलेमी सिद्धांत को आह्वान देते कोपरनिकस। तापर हमको क्वेश्चन पचार नवजागरण समय रसायन विज्ञान अग्रगति किपरि। नवजागरण जुगरे रसायन विज्ञान क्षेत्र में विशेष उन्नति परिलक्षित होता। तो मन रखिबो कार्डिस लघु अम्ल आउ अल्कोहल को मिसाई इथर प्रस्तुति करते जहाँ विज्ञान गोटे चमत्कार तो हेलमेट से अंगारकाम्ल गैस आविष्कार करते। ठीक अच्छे अंगारकाम्ल गैस परवर्ती समय निया लिभा केक प्रस्तुति मृत्यु पानीय तैयारी रे विनियोग करा जायतिला। तापरे पचारिछि जे आधुनिक विज्ञान यूरोपीय समाज पर किपरि प्रभाव पकाइतिला। तो आधुनिक विज्ञान प्रभाव यूरोपीय समाज पर बेस प्रतिफलित होइछि। गमनागमन और परिवहन व्यवस्था रे उन्नति फल मानव समाज रो दूरत्व उपर विजय हासिल करि पारिछि। रेलगाड़ी बोमजान द्रुतगामी जान आदिर आविष्कार फल मानव समाज गोटे स्थान अन्य स्थान को अखिलेश यात्रा करि। चिकित्सा विज्ञान उन्नति फल मानव दुरारोग्य आरोग्य हो पारिछि। यांत्रिक शक्तिर उन्नति फल शिल्प विप्लव को त्वरान्वित करि पारिथिला। तापर कंप्यूटर विज्ञान प्रसार फल रासायनिक अस्त्रशस्त्र निर्माण करी मनुष्य विपद को आक्रमण करुछि। तेणु विज्ञान अग्रगति को अधिकांश व्यक्ति गोटे अभिशाप बोली मत व्यक्त करिसेंती। तो अग्रगति फल मानव समाज आधुनिकतर स्पर्श को अनुभव करि पारुछि। एबे गोटे लंग क्वेश्चन करबा नवजागरण ठारो ख्रीष्टीय सप्तदश शताब्दी पर्यंत विज्ञान विकास धारा उपर आलोकपात कर। ठीक अच्छे प्रथम पैराग्राफ कौन लिख ख्रीष्टीय पंचदश शताब्दी इटालीय संभूत नवजागरण बा पुनर्जागरण नव रविकिरण प्राचीनतार छाई आड़े आड़े समग्र यूरोप महादेश रे व्यापी जाइथिला। तो प्राचीन आउ मध्ययुगर शव उपर छिड़ा होई आधुनिक युगर तुर्यनाद कहिथिले नवजागरण एवं भौगोलिक आविष्कार समूह। तो मानवीय चिंताधारा दृष्टिकोण धारणा सृजनशीलता होइतेला परिवर्तित और चिंताधारा। तो परिवर्तित होइतेला यूरोपीय सांस्कृतिक धारा और परंपरा अंधविश्वास धर्मांधता और प्राणविहीन विश्वासर अमा अंधकार मनीष प्रवेश करते युक्तिसिद्ध एवं प्रमाण सिद्ध तथ्य अनुसंधान दीप्तिमय आलोक मध्य को। तो प्रथम इटाली ठीक अच्छे प्रथम इटाली और परवर्त समय यूरोपर अन्य देश में प्राचीन ग्रीस आ रोमियो संस्कृति प्रति नूतन आग्रह आ उद्दीपना देखा देता। तो विभिन्न वैदेशिक शक्ति विशेषकर जर्मन आ हुण मान आक्रमण हेतु प्राचीन ग्रीस आ रोम संस्कृति निजर निजस्व हराई मृतप्राय अवस्थार थिला। दीर्घ एक सहस्र वर्ष पर पंचदश शताब्दी बेलू यही संस्कृतिर पुनर्जन्म घटी यहाँ रेनासा बा पुनर्जागरण जहाँ प्रथम व्यवहार फरासी ज्ञानकोश देखा मिले। तो यह सहित शिल्प विज्ञान प्रजुक्ति आदि नूआ क्षेत्र में नूआ नूआ उद्भावन घटी जागरणर मार्ग को अधिक प्रशस्त अनेक रेनासा को नवजागरण जो नूतन आलोक मनुष्य मन को उन्नत करने सहित यूरोपीय समाज को देला नूतन दिग्दर्शन ताही पुनर्जागरण। ठीक अच्छे तो मध्ययुगे धर्मांधकारी माने विज्ञानर अग्रगति प्रतिबंधक सृष्टि करते। नवजागरण समय ख्रीष्टीय 16 शताब्दी ठारू विज्ञान क्षेत्र में उन्नति होता। ठीक अच्छे तो नवजागरण था विज्ञान संबंधी प्रगति आउ चिंतार जुग। कौन सी जिनस को अंध भाव विश्वास न करी अनुसंधान एवं अनुशीलन करने मानसिकता लोकों मध्य उद्रेक होता। तो अंधविश्वास एवं प्रभुत्व द्वारा परिचालित न होगापाई विशिष्ट चिंताशील व्यक्ति रोजर बेकन आह्वान देते। ठीक अच्छे तो नवजागरण समयकाल दुई गोटी बौद्धिक धारा प्रस्तुत करिथिला जहाँकि नूतन वैज्ञानिक प्रगति पथ प्रदर्शन करिथिला। तो प्रथमटी जदि हम देखिबा प्रथमटी हेउछि वैज्ञानिक विचारधारा रे जीवात्मा आ परमात्मा तत्वर गोटे नूतन दर्शन थिला। ठीक अछि विज्ञान उपरे एही दार्शनिक पद्धति महत्वपूर्ण थिला। एहा रो बौद्धिक चिंताधारा रे प्रस्ताव अनुजाई सूर्य विश्व ब्रह्मांड केन्द्र अटंती। आधुनिक विज्ञानवाद अनुजाई ऐश्वर्य ज्यामितिक आकार अणवैज्ञानिक हो जाए कारण प्रयोगवाद परिवर्ते कुहक विद्या संबंध में कही थाए। तथापि मध्ययुगीय वैज्ञानिक प्रगति संबंधी प्राचीन चिंताधारा संपर्क में जानापी यह आधुनिक वैज्ञानिक मान सहयोग करें। ठीक अच्छे तो ज्यामितिक आकार द्वारा कोपरनिकस एवं केपलर विशेष भाव में प्रभावित होते। तो 1543 ख्रीष्टाब्द में प्रकाशित प्रसिद्ध गणितिक आर्किमेडिस को पुस्तक प्रति विशेष अनुरक्त प्रकाश करता। तो केवल मात्र संपूर्ण पर्यवेक्षण और महत्वपूर्ण आविष्कार आर्किमेडिस ग्रीसीय विज्ञान जगत में सुप्रसिद्ध न थिले। आहुरी मध्य से समग्र विश्व ब्रह्मांड यांत्रिक शक्तिर भित्ति उपरे कार्य करे बोली शिक्षा दे विख्यात हो पारिथिले। आ तांका मतरे समग्र ब्रह्मांड गोटे यांत्रिक कल परि कार्य करे। यांत्रिकवाद पर्यवेक्षण एवं भारमाप संबंधित पृथ्वीर प्रकृति और गति पर प्रमाण देवारे सहायक होइतला। तो मध्ययुगे विज्ञान केतेक प्रगति करिथिला किंतु मध्ययुगीय विज्ञानवाद सबुबेले विरोधर सम्मुखीन होइतला एवं अनेक वैज्ञानिक तथ्य को फलवती करने पूर्व नष्ट कर दिया जाता। तो ख्रिस्टियन धार्मिक व्यवस्था वैज्ञानिक चिंताधारा और प्रयोग को विधर्मी छाप लगाई विरोध करुले। अंधविश्वास समाज में साधारण भाव में प्रचलित थिला एवं ताहा नवजीवन में एते गभीर प्रभाव पकाईला जे लोक वैज्ञानिक तथ्य और व्याख्या अपेक्षा अंधविश्वास एवं कपोल कल्पित विषय को अधिक विश्वास करुले आउ रुचि रखुले। तो धर्मयाजक अथवा नूतन कहूथिबा कथा भगवान को बाणी अटे एवं ताहा ही सत्य बोली लोकंक बद्ध मूल धारणा हो जाइतला। तेणु करी वैज्ञानिक तथ्य को विधर्मी बोली विचार करुले। तो चिकित्सक माने मध्य धर्म विश्वासी थे एवं धार्मिक पद्धति अनुरूप चिकित्सा भी करुले। तो मुद्रण यंत्र उद्भावन एवं मुद्रणालय अथवा छापाखानार प्रतिष्ठा नवजागरण प्रगति को क्षिप्रतर कर। 1440 ख्रीष्टाब्द में जर्मनीर गुटेनबर्ग मुद्रण यंत्र उद्भावन करी सेठारे मुद्रणालय बा छापाखाना प्रस्तुत करथिले जहा शिक्षा क्षेत्र में विशेष उन्नति करने सहित तो पुस्तकर अभाव दूरीभूत करथिला। ठीक अच्छे तापर नवजागरण जुगे कागजर उद्भावन मानव इतिहास गोटे माइल खुंट थिला। आगरू चमड़ा भुजपत्र तालपत्र आदि हाथ और लेखन साहित्य लेखा जाता छापाखाना एवं कागज मनुष्यर प्रगतिर विशेष सहायक होता। तो यूरोप रे विस्फोरक बा बारूद व्यवहार आग को प्रचलित थिला। यह सर्वप्रथमे शतवर्ष व्यापी युद्ध रे प्रचलित होता। तो ख्रीष्टीय सप्तदश शताब्दी रे बंधुक और प्रमाण गुड़िकरे बारूदर व्यवहार उपरे एको चाटिया अधिकार प्रतिष्ठित होते। तो इटालीर मार्को पोलो 1217 ख्रीष्टाब्दी रे दिगनिर्णय यंत्र उद्भावन करते। नाविक मैंने यही यंत्र साहाय्य समुद्र पथरे गोटे स्थान आउ गोटे स्थान को यात्रा कर पारे। ठीक अच्छे तो नवजागरण जुगरे पोलैंड ज्योतिर्विद कोपरनिकस रचित दि रिवोल्यूशन ऑफ दि हेभेनली बॉडीज रे प्रमाण करते सूर्यजगतर केन्द्र में सूर्य अवस्थापन करती पृथ्वी और अन्य ग्रहगुड़िक सूर्य को चारिपटे घूरुंट। तो पृथ्वी होउछि केंद्र बिंदु एवं ग्रह नक्षत्र ता चारि पाखरे घूरछन्ति बोली आगरी रहितबा विश्वास को खंडन करी प्रकृत सत्य को उजागर करथिले जहा फल यूरोप रे गोटे आलोड़न सृष्टि होइतला। जर्मनी रो ज्योतिर्विद केपलर कोपरनिकस को मतवाद सत्यता प्रतिपादन करथिले और से प्रमाण करथिले पृथ्वी और अन्य समस्त ग्रह अंडाकृति रे सूर्य को चारिपटे प्रदक्षिण करती। ठीक अच्छे तो गालीलियो और इटाली गणित अध्यापक दूरवीक्षण यंत्र उद्भावन कर कोपरनिकस को मतवाद को सत्य बोली प्रमाण करथिले। तो यहीपरी भाव में नवजागरण स्थापन एमती करथिला आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति भित्ति। समग्र विश्व इतिहास रे नवजागरण होउछि गोटे गुरुत्वपूर्ण अध्याय। नवजागरण जनित नूतन चिंताधारा आउ बौद्धिक विकास धारा प्रभाव रे मनीष मन रे देखा देइतिला वैप्लविक परिवर्तन आउ कला विज्ञान साहित्य आदि होइथिले। ठीक अछि तो मध्ययुगीय निद्रा परिहार पूर्वक मनीष पदार्पण करथिला आधुनिक युगरे जहा कि यूरोप रे जन्म होई समग्र पृथ्वी को परिव्याप्त होइतिला। सो बर्तन पर एति करबा वीडियोटी केमति लागला मतामत जणिबो। चैनल नुआ थली चैनल को सब्सक्राइब करि रखिथबो आ हमर सर्वप्रथम इन्फॉर्मेशन पाया पई चाहउछन्ती तो टेलीग्राम चैनल जॉइन हो। वीडियो तलपटे लिंक अछि। ठीक अछि सब वीडियो तलपटे लिंक अछि टेलीग्राम चैनल रो लिंक। सो बर्तन पर एति कि थैंक यू सो मच। परवर्ती समय रे हमें करबा आहरी वीडियो। ठीक अछि आहरी बहुत सारा क्वेश्चन को हमें करबा। सो बर्तन पर एति कि थैंक यू सो मच।